हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेड्यूल के बारे में जिसको यूज करके आप आपके सेल्स के ट्रांजेक्शन में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं वाउचर में जा रहा हूँ, यहाँ पे सेल्स के ट्रांजेक्शन में जब मैं पार्टी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप पेमेंट टर्म्स का टेम्पलेट्स आपको सिलेक्शन में आएगा, और टेम्पलेट्स में से आप कोई भी पेमेंट टर्म्स चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप लिस्ट में से चूज कर सकते हो। तो इस टीडीएल के बारे में बात करने वाले हैं, और इसमें आप जो चाहे वो लिस्ट में आप अपना हिसाब से टेम्पलेट सेट कर सकते हो। तो कैसे सेट करना है, कैसे इस टीडीएल को अनेबल करना है, और कैसे आपको ये लिस्ट आएगा, उसके बारे में आप बात करने वाले हैं। ये टीडीएल है दोस्तों। पर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने ये कन्फिगर किया है और कहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये टीडीएल डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद उस टीडीएल को आपको टेली में कॉन्फ़िगर करना है, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा टीडीएल है, ये टीडीएल आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। इस टीडीएल को आपको टेली में कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए आपको इस एड्रेस बार पे क्लिक करके सिंपली स्लैश करना है, तो यहाँ पे ये फाइल का नाम और एक्सटेंशन आ जाएगा, और एक्सटेंशन के साथ आपको ये पूरा एड्रेस बार कॉपी करना है, ठीक है? यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको टैली में यहाँ पे हेल्प बटन पे जाना है, और यहाँ पे टीडीएल एंड एडोन्स में जाके मैनेज लोकल टीडीएल में जाके हमें ये जो हमने कॉपी किया था पाथ, उसको यहाँ पे सेट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेट करके एंटर करेंगे लोड टीडीएल में, वो टीडीएल लोड हो जाएगा। एक बार टीडीएल लोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे F11 में जाना है, कंपनी बटन पे क्लिक करके F11 फीचर्स में आपको जाना है। F11 फीचर्स में आप यहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सेट पेमेंट टर्म्स टेम्पलेट, राइट? अभी इसको आप यस करेंगे तो यहाँ पे आप जो टर्म्स है वगैरह आप सेट कर सकते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे सेट कर दिया है कि भाई 30 डेज, 60 डेज, 50% एडवांस एंड 50% आफ्टर डिलीवरी, 100% एडवांस, या फिर आप तो सेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कैश ऑन डिलीवरी, राइट? ऐसे ही आप जितने चाहे वो टीडीएल सेट कर, मतलब टेम्पलेट्स सेट कर सकते हो। एक बार ये सेट करने के बाद आपको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। एक बार ये सेट करने के बाद आप उसको सेव कर लीजिए। ये मैंने इसको सेव कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अभी एक्सेप्ट करने के बाद आप ट्रांजेक्शन के लिए अंदर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नया ट्रांजेक्शन करने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने किसी भी कस्टमर को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट टर्म्स में यहाँ पे वो लिस्ट आ गया है, और उस लिस्ट में से अभी आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इसका विड्थ भी बढ़ा दिया है, ताकि अगर कोई लंबा टर्म है तो उसमें श्रिंक ना हो जाए, तो आप उस हिसाब से हाइट भी, उसकी जो विड्थ है वो भी आप प्रॉपरली देख सकते हैं। अभी इसमें से आपको जो भी चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। 30 डेज रखना है, 50 डेज एडवांस, 50 डेज आफ्टर डिलीवरी रखना है, कैश ऑन डिलीवरी रखना है, तो अब यहाँ पे टाइप करने की आपको जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और भी अगर आप देखेंगे भी, जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में भी आपको वही सेम चीज प्रिंट में भी आ सकती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट? अगर आप चाहते हो कि भाई कस्टमर में आप पहले से फिक्स करके रखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कस्टमर 002 है और यहाँ पे 30 डेज पहले से फिक्स करके रखा हुआ है, तो फिर क्या होगा कि वो जो भी फिक्स करके रखा होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
पर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, राइट दोस्तों। तो ये था टीडीएल दोस्तों, बताइए कैसा लगा आपको। आई होप कि ये टीडीएल आपकी मदद करे और आपका काम कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो। बताइए कैसा लगा आपको टीडीएल अगेन। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।